नमस्कार दोस्तों, मैं देवदीप और आप देख रहे हैं देवदीप चैनल। दोस्तों मैं बहुत दिन से अपने चैनल पे टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस नहीं अपडेट कर पा रहा था कुछ रीजंस की वजह से, बट फाइनली मैंने डिसाइड किया कि अब मेरे चैनल पे मैं टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस रेगुलर पोस्ट करूंगा अपने चैनल पे। तो दोस्तों आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले रेडमी की तरफ से एक अपडेट आ रहा है। रेडमी ने अपने एक सबसे बजट सेगमेंट में एक फोन को लॉन्च किया है, दैट इज रेडमी 9A। तो क्या खास है इस फोन पे, कितने प्राइस होने वाली है इस फोन की और भी बहुत सारे डिटेल्स मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये फोन आपको परचेस करना चाहिए कि नहीं परचेस करना चाहिए। तो वीडियो पे बने रहे लास्ट तक। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि जब भी मैं नए वीडियोज अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो दोस्तों ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन के डिजाइन की। इस फोन पे आपको मिलने वाला है ऑरा 360 का डिजाइन आपको मिलने वाला है। साथ में इस फोन पे आपको एक फीचर्स भी मिलने वाली है जो कि P2i बोल के एक फीचर्स है, P2i टेक्नोलॉजी, जो कि एक नैनो कोटिंग है जो कि आपके फोन को प्रोटेक्ट करेगी, आपके स्मार्टफोन को ये प्रोटेक्ट करेगी अगेंस्ट एवरीडे वाटर स्प्लैश एंड स्पिल्स से। और दोस्तों ये फोन आपको 3 कलर्स में अवेलेबल आपको मिलेगी, एक है सी ब्लू, नेचर ग्रीन एंड मिडनाइट ब्लैक कलर्स में आपको ये फोन अवेलेबल है। तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन पे आपको 6.5 HD प्लस डिस्प्ले आपको इस फोन पे मिलने वाली है और इस फोन का वेट होने वाला है 194 ग्राम। तो दोस्तों बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसमें आपको मिलने वाला है मीडियाटेक हीलियो 625 ऑक्टाकोर प्रोसेसर MIUI 12 प्लस एंड्रॉइड 10 के साथ। बात कर लेते हैं अब इस फोन के कैमरे क्वालिटी की। तो इस फोन पे आपको मिलने वाला है 13 MP का AI प्राइमरी कैमरा, साथ में आपको 5 MP का सेल्फी कैमरा भी मिलेगा AI फेस अनलॉक के साथ। तो ये फोन आपको दो वेरिएंट में अवेलेबल है, 2GB 32GB एंड 3GB 32GB के वेरिएंट में। इस फोन की मेमोरी को आप एक्सटेंड भी कर सकते हैं SD कार्ड के थ्रू अप टू 512GB तक। अब बात करते हैं इस फोन के बैटरी की। तो इस फोन पे आपको मिलने वाला है 5020mAh की रिचार्जेबल इनबिल्ट बैटरी। अब आखिर में आती है इस फोन के प्राइस की बारी। तो MI ने इस फोन को एक बजट सेगमेंट के फोन के तौर पे इसे लॉन्च किया है और इस फोन की कीमत शुरू होती है 6799 रुपीज से ये फोन की कीमत शुरू होती है। तो गाइस ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये फोन ठीक ठाक ही है। ये इसके स्पेसिफिकेशंस, इसके प्राइस पॉइंट को अगर कंसिडर करें तो ये एक ठीक ठाक फोन है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होती है कि आपको ये फोन परचेस करना चाहिए कि नहीं परचेस करना चाहिए। तो मैं आपको सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आपका बजट थोड़ा कम है और आप इस स्पेसिफिकेशन से सेटिस्फाइड है देन डेफिनेटली गो फॉर रेडमी 9A। पर अगर आपका बजट थोड़ा सा अगर हाई है, अप्रोक्सीमेट 9000 तक अगर आपका बजट है और आप एक अच्छा फीचर चाहते हैं, डेफिनेटली गो फॉर अदर फोन। फोन की स्पेसिफिकेशन, इस फोन की सारी डिटेल्स का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गाइस दिस इज ऑल फॉर टुडेज अपडेट। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर करना एंड चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। तो दोस्तों जल्द मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू।